हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेडीज़ कुर्ते की कटिंग बताऊंगा। दोस्तों बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद क्या होता है, अपने को कितनी लूजिंग देनी है, किस कपड़े में कितनी लूजिंग देनी है, वो डिपेंड करता है कपड़े के ऊपर और कस्टमर के पहनावे के ऊपर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कॉटन कपड़े में नॉर्मल फिटिंग वाला कुर्ते की कटिंग बताऊँगा। देखो दोस्तों, कुर्ता बनाने के लिए जो अपने को मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, जैसा नाप अपनी, सबसे पहले अपने को लंबाई चाहिए। तो लंबाई जैसा 38 इंच हमने ले लिए हैं, तो ऊपर शोल्डर में आधा इंच दबेगा और नीचे जो पैनल में दामन में जितना अपने को मोड़ना है 1 इंच, उस हिसाब से हमने 1.5 इंच इसकी लंबाई बढ़ा ली है। वैसे दोस्तों चेस्ट है, चेस्ट में जो 33 इंच चेस्ट है तो उसमें प्लस 3 इंच जोड़ेंगे। जो फिटिंग वाला अपने को कुर्ता बनाना है दोस्तों, तो 3 इंच जोड़ के वो हो जाएगा 36 इंच। तो 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच होता है दोस्तों, तो 1/4 9 इंच होगा। वैसे कमर जो 27 इंच है उसमें अपने को 3 इंच जोड़ना है, 3 इंच जोड़ के वो हो गया 30 इंच, 30 का चौथा हिस्सा 7.5 इंच। वैसे दोस्तों हिप जो है अपनी 35 इंच हिप है, लेकिन उसमें अपन 2 इंच ही जोड़ेंगे, क्योंकि 2 इंच जोड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर चौक खुल जाता है, तो उसका चौथा हिस्सा अपना हो गया 7.5। वैसे शोल्डर जो क्या होता है दोस्तों, शोल्डर अपना तैयार कैसे करते हैं, जो पीछे गला रहता है उसका आधा अपने को माइनस करना है। तो जैसा शोल्डर 14 इंच है, उसमें से 3 घटाए तो 11 हो गया, भागी 2 करेंगे तो ये शोल्डर अपना 5.5 इंच तैयार आएगा। वैसे दोस्तों पीछे का गला जैसा रहता है 6 इंच, आगे गला 7 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है, उसकी आर्मोल की चौड़ाई है, उसकी मोहरी है, वैसे उसका शोल्डर से जो कमर की लंबाई 14 इंच, शोल्डर से हिप की लंबाई जो है दोस्तों 20 इंच। वैसे दोस्तों अब इसको हम अब आगे बनाना बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 4 फोल्ड में कपड़ा तो जमा लिया जितने अपनी को दामन का चौड़ाई बनाना है। उसके बाद देखिए सीधा टेप को सीधा एक लंबा हमने जितना अपने को लंबाई लेना है उतना सीधा लंबा जमा लिया। उधर सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, शोल्डर से चेस्ट लाइन जो आर्मोल की चेस्ट लाइन आएगी वहाँ निशान लगेंगे। 5.5 पे लगाना है तो हम 6 में लगाएंगे क्योंकि आधा इंच शोल्डर में दबेगा। वैसी कमर भी 14 है तो 14.5 में लगाएंगे, आधा इंच दबेगा। वैसी हिप की जो लंबाई है, देखिए हिप की लंबाई 20 है तो 20.5 में हमने लगाए हैं देखिए। उसके बाद शोल्डर से टोटल जो नीचे की लंबाई है 38 इंच देनी है, देखिए 38 इंच लगाए हैं। और शोल्डर से लंबाई, ये चेस्ट की लंबाई हो गई जो 5.5 में लगाना था 6 में लगाए, फिर 14 का 14.5 में लगाए कमर देखिए, फिर हिप जो 20 थी 20.5 में लगाए, ये टोटल लंबाई हो गई। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 से 1.5 इंच या 1.25 इंच आप नीचे जो दामन में मोड़ना है आप उतना आप मोड़ने के लिए दे सकते हैं। ये हो गई अपनी 5 लाइन हो गई अपनी। अब इसको क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींच लेते हैं लंबी, देखिएगा सब में ये चेस्ट लाइन हो गई, ये कमर की लाइन हो गई अपनी, ये हिप की लंबाई, ये दामन हो गया नीचे का, ये नीचे मोड़ के लिए हमने रख दिया, शोल्डर चेस्ट कमर हिप दामन। देखिए शोल्डर जो अपना 11 इंच अपने को बनाना था तो हम 6 इंच में निशान लगाए हैं। चेस अपना है 36 तैयार, जो कि चौथा हिस्सा होता है 9 इंच, कमर अपनी 30 इंच है तो उसकी चौथा हिस्सा हो गया 7.5, हिप अपनी 37 इंच, उसका चौथा हिस्सा हो गया 9.25। वैसी ये शोल्डर चेस्ट कमर हिप, ये क्या दामन,
तो दामन जो होता है अपने को अगर स्ट्रेट बनाना है तो स्ट्रेट लेंगे, जैसा इसका स्ट्रेट बनाना है अपने को 1.25 इंच बिल्कुल स्ट्रेट ले लेंगे वैसे। अगर चौड़ा बनाना है तो आप रख सकते हैं, ये भी 37 इंच हो गया दामन अपना। अब क्या करेंगे, ये जो शेप की लाइन है उसको हम मिला लेते हैं। देखिए यहाँ ये दामन का लाइन हो गया, ये अपनी मार्जिन हो गई 1.25 इंच की, जो मार्जिन देते हैं 1.25 से 1.5 इंच की, लेकिन हिप के पास अपने को 1 ही इंच की मार्जिन देनी है चौक के पास के लिए, है ना, क्योंकि चौक ज़्यादा चौड़ा मुड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सुंदर नहीं दिखेगा। अब हम गले के पास आते हैं, फिर आर्मोल से सीधा तिरछा लाइन लगा लेते हैं थोड़ा, क्योंकि मैं डायरेक्ट आप लोगों को कटिंग बता रहा हूँ। देखिए ये हल्का राउंड घुमा लिए, स्केल की मदद से आप ज़्यादा अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं आर्मोल का ड्राइंग। देखिए ऐसा ऐसा शेप दे दीजिए। देखिए अब हम गले का जो हिस्सा है हम 2.5 इंच में लेंगे, तो ये 2.5 इंच हम लेते हैं क्योंकि उधर 3 आ जाएगा शोल्डर। देखिए सीधी लंबी लाइन खींच लिए। अब गले का डीप हम नाप लिए, 6 इंच का हमको देना है, तो एक चौकोन डब्बा बना के एक ऐसा शेप दे दीजिए, बड़ा सुंदर सा शेप रहेगा। चाहे आप पीछे और भी कोई डिजाइन बना सकते हैं, मैं सिंपल आप लोगों को ड्राइंग करके भी बता रहा हूँ गोल का। ठीक है दोस्तों, ये पूरा अपना निशान लग चुका है, चेस्ट कमर हिप दामन, ये अपनी चौक की मार्जिन हो गई, नीचे दामन में मोड़ने की मार्जिन हो गई, ये अपना ये जो कमर का शेप है दोस्तों बढ़िया गोल शेप देना है अपना, देने का रहता है ये आर्मोल रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट लेते हैं हम। ये दोस्तों कट गया अपना। अब इसको क्या करेंगे, ये जो पॉइंट रहते हैं ना इसको ऐसा कुटका लगा लेते हैं, क्योंकि चारों पल्लों में एक जैसा निशान आ जाए। ये गले का हिस्सा है, ये चेस्ट का हिस्सा है, देखिए वैसे ये दामन के पास तो अपने को जितना चौक में मोड़ना है जितना दामन में मोड़ना है थोड़ा शेप दे देते हैं उसको, वैसा निशान लगा दीजिए। अब ये अपना कुर्ती का हिस्सा कट गया है, आर्मोल हम क्या करेंगे, आस्तीन पहले काट लेते हैं फिर उसके अनुसार आर्मोल को मिलाएंगे। देखिए पहले आस्तीन के लिए कपड़ा जमा लेते हैं, इसमें अपने को लंबी आस्तीन बनानी, 3/4 आस्तीन बनानी जो अभी लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा चल रही है कुर्तियों में। तो ये अपना कपड़ा जम चुका है, देखिए दोस्तों क्या है, लंबी आस्तीन बनाने के लिए ये पहले 1/2 इंच तो आप ऊपर दबाने के लिए आप ले लीजिए, फिर वहाँ से 3 इंच लेंगे, नॉर्मल साइज का है आर्मोल का लाइन, 3 इंच में ले लेंगे। आस्तीन की लंबाई 15 इंच हम बना रहे हैं, देखिए नीचे मोहरी का हिस्सा हो गया, ये आर्मोल का हिस्सा हो गया, हाथ का सबसे आखिरी का मोटाई वाला हिस्सा जो अपना है 6.5 इंच मतलब 13, ठीक है, नीचे का जो मोहरी का हिस्सा है मतलब मोटाई वाला हिस्सा ये अपना हो गया 10.5 इंच। एक ऐसी लंबी लाइन खींच लीजिए और स्केल से इसको बढ़िया सा शेप देंगे। दोस्तों देखो आस्तीन का आर्मोल का शेप ऐसा आना चाहिए, बहुत सुंदर सा, कह रहे थे जितना अच्छा शेप रहेगा। इसको अब काट लेते हैं हम, देखिए दोस्तों ये शेप कट गया अपना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कुटका लगा देते हैं, फिर इसको खोल कर आगे का जो आर्मोल है आस्तीन का उसको काटेंगे। पहले यहाँ भी एक पॉइंट लगा लेते हैं, तो खोलते हैं,
है, पहले एक ऐसी एक शेप लाइन खींच लीजिए कि इसके अंतर्गत तो अपने को गहराई देनी है। देखिए कि ऐसा सुंदर सा शेप काट लीजिए। ये क्या होता है, जितना अच्छा कट्टा एक चिड़िया या एक उड़ती हुई चिड़िया जो रहती है वैसा शेप है ये। देखिए ये अपनी असिन कट गई है। आप कुर्ती के आर्मोल से उसको मिला के देख लेते हैं। हमेशा आधा इंच ज़्यादा रहना चाहिए। देखिए ये आधा इंच ज़्यादा ही है, कम नहीं होना चाहिए। आधा इंच ज़्यादा हो जाए चल जाए, और ज़्यादा रहना ही चाहिए। और ये हम आगे का आर्मोल का निशान लगाने के लिए इसको एक पहले ऐसा चौकोन पहले बना लीजिए सीधा, फिर कोरिसेल से या ऐसा शेप दे दीजिए। देखिए देखिए कितना सुंदर शेप निकला है। इसको बिल्कुल वैसे काट दीजिए, जितना अच्छा निशान लगता है उतनी अच्छी कटिंग अच्छी होती है। ये कट गया। देखिए ये बैक पल्ला, बैक पल्ले का गला, ये आगे का आर्मोल हो गया। इसको कोई भी एक शेप दे देंगे। गला गले का तो अभी तय नहीं कि क्या बनाना है, लेकिन मैं ऐसा शेप दे देता हूँ आप लोगों को के सामने दिखाने के लिए। ये पीछे का गोल हो गया, ये आस्तीन अपनी कट गई है, कुर्ती अपनी कट चुकी है। देखो दोस्तों कुर्ती अपनी कट चुकी है।